जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। ये झील सीधे पाताल लोक तक जाती है, इसमें देवताओं का खजाना छिपा हुआ है। क्यों ना इस झील से सारा धन निकालकर राज्य के खजाने में डालकर इसका सदुपयोग किया जाए। गुपचुप चोरी का प्रयास किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसी दिन से वह अंधा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भगवान कमरूनाग जी की पौराणिक कथा। भगवान कमरूनाग जी को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बारिश के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कमरूनाग जी का मंदिर एक घने जंगल के बीच में मंडी के कमला नामक स्थान में स्थित है। इस स्थान पर हर साल 14 जून को 3 दिन का मेला लगता है। देव कमरूनाग की कहानी महाभारत काल से जोड़ी जाती है। महाभारत काल में जो बार्बरिक थे उन्हीं को कमरूनाग के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि बार्बरिक नाम के योद्धा ने विष्णु की मूर्ति रखकर कमरू विद्या सीखी और अनेक सिद्धियां हासिल की। महाभारत में कौरवों और पांडवों ने अनेक योद्धाओं को अपनी अपनी तरफ से लड़ने का न्योता भेजा, लेकिन किसी ने भी बार्बरिक को नहीं बुलाया। इससे आहत होकर बार्बरिक ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और कहा कि वो युद्ध में उस दल की तरफ से लड़ेंगे जो कि युद्ध में हार रहा होगा। बार्बरिक में इतनी शक्तियाँ थी कि वो जिस तरफ से भी लड़ते वो जीत जाते। इस बात का ज्ञान सिर्फ भगवान कृष्ण को था, तो वो वेश बदल कर बार्बरिक से मिले, मतलब भगवान कमरूनाग से मिले। बार्बरिक के युद्ध में जाने की बात को लेकर कृष्ण ने उन्हें परीक्षा देने को कहा और कहा कि अगर आप शक्तिशाली हैं, तो पेड़ के सभी पत्तों में एक तीर से छेद करके दिखाओ। इसी दौरान श्री कृष्ण ने चालाकी से कुछ पत्ते अपनी बगल वो अपने पैरों के नीचे छुपा दिए और जब बार्बरिक मतलब कमरूनाग ने पेड़ पर तीर चलाए तो सारे पत्तों पर छेद हो गया। वहीं जो पत्ते कृष्ण ने अपने पैरों और बगल में छुपाए थे उनमें भी छेद हो गए। इससे कृष्ण भगवान काफी चिंतित हो गए और सोचा कि कहीं ये कौरवों की तरफ से युद्ध ना लड़ने लग जाएं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो। जब कमरूनाग ने कहा कि विष्णु की, तो भगवान कृष्ण ने विष्णु अवतार लेते हुए उनसे गुरुदक्षिणा की मांग की। बदले में भगवान कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांग लिया। उन्होंने हामी भरी और कहा कि उनकी एक इच्छा है कि उन्हें युद्ध देखना है और उनका सिर ऐसी जगह लगाया जाए जहां से युद्ध क्षेत्र दिखे। तो भगवान कृष्ण ने जब युद्ध शुरू हुआ तो उनके कटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया, लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान कृष्ण ने सिर को एक पत्थर से बांध कर उन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसलिए भीम ने यहाँ अपनी हथेली को गाड़ कर एक झील बना दी। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहाँ चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से निकाला नहीं जाता क्योंकि ये देवताओं का होता है। ये मान्यता है कि ये झील सीधे पाताल लोक तक जाती है, इसमें देवताओं का खजाना छिपा हुआ है। कमरूनाग भगवान खुद इस खजाने की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि बड़ा देव कमरूनाग की बदौलत दिल्ली दरबार में रियासत काल के समय में मंडी के राजा जोगेंद्र सेन को राजाओं के सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राजा का सम्मान मिला था। उस समय की बात है, दिल्ली में शर्त रखी गई थी कि जो विशेष सिंहासन पहचानेगा वह सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाएगा। इस पर राजा जोगेंद्र सेन ने देव कमरूनाग से मन्नत मांगी थी और देवता ने सपने में राजा जोगेंद्र सेन को दर्शन दिए और कहा कि दिल्ली दरबार में जिस सिंहासन पर आपको सांप दिखेगा उस सिंहासन पर आप विराजमान हो जाना। दिल्ली दरबार में ठीक वैसा ही हुआ, जिसके बाद मंडी रियासत के राजा जोगेंद्र सेन को सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित किया गया था। उपहार के रूप में राजा जोगेंद्र सेन ने देव कमरूनाग को मखमली कपड़े का सूरज पक्खा भेंट किया था, जिस पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई थी जो आज भी देवता के भंडार में स्थापित है। जिसके बाद देव कमरूनाग को मंडी शिवरात्रि के मेले में राजा जोगेंद्र सेन ने हर वर्ष के लिए आमंत्रित किया था, जो परंपरा आज भी जीवित है।
राजा जोगिंदर सेन की परंपरा से पूर्व मंडी शिवरात्रि में भाग लेने के लिए देवता का गुर जाता था। उसके बाद देवता की काहुली और एक नगाड़ा जाता था। मगर जोगिंदर सेन राजा ने जब देवता को मखमली कपड़े का सूरज पक्खा भेंट किया, तो उसके बाद मंदिर कमेटी ने देवता का चांदी और सोने का सूरज पक्खा तैयार किया, जो हर साल मंडी शिवरात्रि में भाग लेने जाता है। शिवरात्रि पर्व में देव कमरुना के मदुराई दरबार में हाजिरी भरने की प्राचीन रीत को आज भी बरकरार रखा है। कहा जाता है कि इस झील से देवता का खजाना भी कोई चुरा नहीं सकता। इसकी भी एक कथा है। एक आदमी ने सोना चुराने के लिए झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी बाहर निकालना चाहा था, पर वह आदमी पानी में ही फंस गया और जान से हाथ धो बैठा। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अपनी सारी संपत्ति झील में देवता कमरुनाग को समर्पित की थी। जानकार कहते हैं कि सन 1911 में सीसी गार्वेट मंडी राज्य के अंग्रेज अधिकारी ने कमरुनाग की प्रसिद्धि की बातें सुनने पर इस क्षेत्र का दौरा किया था। उसने जब लोगों को झील में अमूल्य वस्तुएं फेंकते हुए देखा, तो उसने सोचा कि लोग व्यर्थ में ही इतना धन एवं कीमती वस्तुएं और जेवर झील में फेंकते हैं, क्यों ना इस झील से सारा धन निकाल कर राज्य के खजाने में डालकर इसका सदुपयोग किया जाए। राजा ने भी बात मान ली, परंतु पुजारी व भक्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद भी राजा और अंग्रेज अधिकारी अपने कार्यकर्ताओं सहित झील की ओर चल पड़े। झील की तरफ चलते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। उन्हें बारिश ने एक कदम भी आगे चलने नहीं दिया। मजबूर होकर उन्हें चिचियोट में ही रुकना पड़ा। वहां अंग्रेज अधिकारी ने फल खाया और वह बीमार पड़ गया। लोगों ने जब उन्हें कमरुना की शक्ति के बारे में बताया, तो वे घबरा गए। अंग्रेज अधिकारी को वापस लौटना पड़ा और वह सीधा इंग्लैंड जाने के लिए मजबूर हो गए। कुछ दशक पूर्व एक चोर गिरोह के सदस्य ने गुपचुप चोरी का प्रयास किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसी दिन से वह अंधा हो गया। कमरुनाग मंदिर में पहुंचने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ केवल ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। निकटतम सड़क संपर्क रोहंडा में है, जो मंडी से 55 किलोमीटर और सुंदरनगर से 35 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद आपको 6 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान कमरुनाग की पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।